हाँ, राजस्थान में कहाँ से हो? कोटा रिकॉर्डिंग रिकॉर्डिंग रिकॉर्डिंग। सेकंड सत्र में आप सभी का स्वागत है। हमारे बीच में सुधा पाठक जी उपस्थित हैं, उनका स्वागत है। अनिता जैन जी सेमेस्टर 5 की स्टूडेंट है और हमारे समवाय फाउंडेशन प्रमोटर, उनका स्वागत है। नमस्ते सर। सेमेस्टर 4 के स्टूडेंट है और हमारे समवाय फाउंडेशन प्रमोटर, उनका स्वागत है। हमारे फैकल्टी आज नीतु जैन जी उपस्थित हैं, सेमेस्टर 4 के स्टूडेंट हैं, हमारे समवाय फाउंडेशन प्रमोटर, उनका स्वागत है। प्रतिमा राज जी सेमेस्टर 1 के स्टूडेंट हैं, उनका स्वागत है। सरिता जैन जी सेमेस्टर 2 के स्टूडेंट हैं, उनका स्वागत है। उमा खानम जी सेमेस्टर 2 के स्टूडेंट हैं, उनका स्वागत है। रमेश चंद जी सेकेंड सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं, उनका स्वागत है। और के तिवारी जी हमारे सेमेस्टर 4 के स्टूडेंट हैं और समवाय फाउंडेशन के प्रमोटर हैं, उनका स्वागत है। इसके अलावा भी 3-4 लोग और जुड़े हुए हैं, 5 लोग और जुड़े हुए हैं, इनका नाम नहीं आ रहा मुझे, लेकिन उन सभी का स्वागत है। तो हम लोग अब आज चर्चा करने जा रहे हैं, हमारी जो फैकल्टी है नीतू जैन जी वो आज चर्चा करेंगी। जो हम लोगों ने कल चैप्टर पढ़ा था टीटाई 7 में, चैप्टर नंबर 6, उसी के आगे फ्लूइड्स के संबंध में वो आज प्रकाश डालेंगी। तो मैं उन्हीं को उनका स्वागत कर रहा हूं और उनको सौंप रहा हूं। तो मैं शेयर कर दे रहा हूं, शेयर कर दूं मैं? जी सर। सबसे पहले सर को प्रणाम मेरा और सभी साथियों को मेरा नमस्ते। आज मैं बॉडी फ्लूइड्स के बारे में थोड़ी सी आप लोगों के साथ चर्चा करूंगी। अगर कुछ गलती हो तो सर आप मुझे ठीक कर दीजिए। हम बॉडी फ्लूइड्स के बारे में पहले हम ये जानेंगे बॉडी फ्लूइड्स हमारे होते क्या हैं। तो बॉडी फ्लूइड्स हमारे हमारे शरीर में 70% फ्लूइड्स होते हैं। उन फ्लूइड्स में सिर्फ पानी ही नहीं होता है, पानी के अलावा उसमें ब्लड और यूरिन, सलाइवा, टीयर्स और मिल्क, स्वेट, पसीना, ये सब साइनोवियल फ्लूइड और ये सारे जो फ्लूइड्स होते हैं ये इन्हें फ्लूइड बॉडी फ्लूइड्स कहते हैं। और ये आपको एक पिक्चर शेयर किया सर ने, ये आपको दिख रही होगी। तो इस पिक्चर में यह बताया है, फ्लूइड के बारे में ये बताया है कि हम जो भी फूड और ड्रिंक हम लेते हैं हमारी बॉडी में, तो हमारे जीआईटी ट्रैक में जाता है और जीआईटी ट्रैक में स्प्लीन और स्टमक होते हैं। तो इस हमारे मुंह में पाचन क्रिया शुरू हो, मुंह से पाचन क्रिया शुरू हो जाती है और नीचे एलआई तक जाते हैं। तो जब हमारे माउथ में हम भोजन लेते हैं तो उसमें डाइजेशन की प्रक्रिया चालू हो जाती है और एब्जॉर्प्शन भी धीरे धीरे साथ साथ में चलता रहता है। और हमारे जो जीआईटी ट्रैक्ट है उसमें ऊपर का जो पोर्शन है उसमें सबसे ज्यादा डाइजेशन उसमें होता है। सर स्क्रीन, हाँ उसको कर रहा हूँ, कर रहा हूँ। नीतू आपका हैंड रेज किया हुआ है उसको। हाँ कर दिया, कर दिया। तो हमारा जो जीआईटी ट्रैक्ट होता है तो उसमें ऊपर से लेके नीचे तक जो हमारा ट्रैक्ट होता है उसमें ऊपर वाले पोर्शन में हम सबसे ज्यादा एब्जॉर्ब होता है और जो नीचे वाला पोर्शन होता है, एक सेकेंड, और जो नीचे वाला हमारा पोर्शन होता है उसमें एब्जॉर्प्शन ज्यादा होता है, ऊपर वाले पोर्शन में डाइजेशन ज्यादा होता है। तो स्प्लीन स्प्लीन इसमें इनडायरेक्टली इन्वॉल्व होती है क्योंकि डायरेक्टली तो हमारे स्टमक और एसआई एलआई ये सब तो डायरेक्टली इन्वॉल्व होते हैं और स्प्लीन फूड की बनाती है तो वो इनडायरेक्टली इसमें इन्वॉल्व होती है। तो ये हमारे स्प्लीन और स्टमक इसको इस एनर्जी को फूड और ड्रिंक जो हम लेते हैं उस एनर्जी को उस फ्लूइड जो बनता है उसमें दो भागों में बांट देती है, प्योर और इम्प्योर। जो प्योर शेयर हुआ? जी सर हो रहा है। सर पहले वो कर दीजिए जो मैंने भेजा था। अच्छा, जो अभी, जी सर दोनों भी भेजा हुआ एक साथ नहीं बताएगा आपको, अलग अलग पहले पहले वो करिए। हाँ ये नीचे, ये
उसके बाद स्टॉप करके ये कर देगा। अभी लाल आ गया। जी सर हो गया। तो ये हमारा जो स्टमक और स्प्लीन है ये दो पार्ट्स में बॉडी फ्लूइड्स को बांट देती है, प्योर और इम्प्योर। तो प्योर पार्ट ऊपर की तरफ से ले जाता है, लंग्स में पहुंचता है, और जैसा कि हमने पढ़ा है कि लंग्स में डिफेंसिव, लंग्स से ही डिफेंसिव की सुचालित होती है। तो लंग्स इस जो प्योर वाले प्योर वाला पार्ट है उसको हमारे स्किन और मसल में भेज देता है, तो स्किन और मसल को उससे नरिशमेंट मिलता है। और एक पार्ट लंग्स से इसका किडनी में जाता है, वो किडनी में भेज देता है उसे, तो किडनी को भी उससे नरिशमेंट मिलता है। तो ये प्योर पार्ट दो जगह डिवाइड हो जाते हैं। अब हम इम्प्योर पार्ट में आते हैं। तो लंग्स इम्प्योर पार्ट जो होता है स्प्लीन और स्टमक से, इम्प्योर पार्ट नीचे की तरफ डाउनवर्ड की तरफ फ्लो होता है, तो वो पहले स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है। अब स्मॉल इंटेस्टाइन से भी वो दो भागों में बढ़ जाता है। स्मॉल इंटेस्टाइन प्योर और इम्प्योर दो भागों में उसको बांट देती है। तो प्योर पार्ट जो होता है वो किडनी में यूरिनरी ब्लैडर में जाता है, और इम्प्योर पार्ट जो होता है उसका वो एलआई में जाता है, लार्ज इंटेस्टाइन में जाता है। अब लार्ज इंटेस्टाइन में भी जो प्योर वाटर होता है वो तो एब्जॉर्ब हो जाता है और इम्प्योर स्टूल के रूप में बाहर निकल जाता है। अब इसके बाद में जो हमारा किडनी है, अब लंग्स अपना सारा डिसेंडिंग किडनी को दे देता है फ्लूइड्स, लेकिन हमारे लंग्स को भी फ्लूइड्स की जरूरत होती है क्योंकि उसे भी नरिशमेंट चाहिए होता है और मॉइस्चर चाहिए होता है। तो किडनी उसको हीट की फॉर्म में वापस लंग्स को भेजती है। ये हमें अरविंद सर ने भी बताया था कि किडनी कुछ पार्ट जो लंग्स को चाहिए होता है वो लंग्स को वापस भेज देती है, और वो हीट की फॉर्म में होती है। अब किडनी ये काम कैसे करती है, किडनी को इसके लिए एनर्जी कहाँ से मिलती है? तो हम ये देखते हैं कि किडनी को उसमें वार्म्थ जो मिलती है, गर्माहट मिलती है, वो किडनी यांग से मिलती है। तो किडनी यांग से वो एनर्जी, किडनी यांग उसको उस एनर्जी से हीट से लंग्स को भी देती है और यूरिनरी ब्लैडर को भी देती है। इसी तरह से किडनी यांग एलआई को भी हीट चाहिए होती है और एसआई को भी हीट चाहिए होती है। वही किडनी यांग एसआई और एलआई दोनों को हीट देती है, तो वो इम्प्योर और प्योर को अलग अलग कर देते हैं। अब हम देखेंगे कि जो प्योर पार्ट है हमारा लंग्स का, वो स्किन और मसल में जाके पसीने के रूप में बाहर निकल जाता है। अब किडनी यांग तो है, मदर होती है, किडनी मदर होती है सारे ऑर्गन्स की, और किडनी यांग जो होती है वो सारे यांग ऑर्गन्स की मदर होती है, और किडनी इन जो होती है सारे इन ऑर्गन्स की मदर होती है। यूरिनरी ब्लैडर को हीट किडनी यांग से मिलती है सेपरेट करने के लिए, इसे फंक्शन ऑफ हीट ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं। मेन ऑर्गन्स जो होते हैं हमारे ट्रांसपोर्टेशन में, ट्रांसफॉर्मेशन में और एक्सक्रीशन में, ये फ्लूइड्स को निकालने के लिए जो भी मेन ऑर्गन्स होते हैं वो स्प्लीन, लंग्स और किडनी होते हैं। अगर फ्लूइड्स कम होते हैं तो इसका मतलब हमारी बॉडी में स्किन ड्राई हो जाएगी, तो इसका मतलब होता है लंग्स में इनडिफिशियंसी ये शो करेगा। अब लंग्स जो होता है वो अपर सोर्स ऑफ वाटर कहलाता है और किडनी लोअर सोर्स ऑफ वाटर कहलाती है, क्योंकि लंग्स ऊपर को एनर्जी भेज रहा है, हमारी स्किन पे भेज रहा है, और किडनी नीचे के ऑर्गन्स के लिए होती है। अब हम देखते हैं कि हमारी जो स्प्लीन है वो हमारी स्प्लीन जो है हमारे सबसे इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑर्गन होता है बॉडी फ्लूइड्स के लिए। स्प्लीन मुंह से लेके नीचे तक फूड एब्जॉर्प्शन में हेल्प करती है। स्प्लीन जो होती है फ्लूइड्स को ऊपर लंग्स में भेजती है, फिर डिफेंसिव की स्किन को नरिश करती है। इसे लंग्स डिफ्यूजिंग फंक्शन कहते हैं। डिफ्यूजिंग मींस कि लंग्स जो है वो फ्लूइड्स को हर जगह फैला देता है, तो उसे लंग्स को डिफ्यूजिंग फंक्शन कहते हैं। और कुछ फ्लूइड्स को स्प्लीन, किडनी और यूरिनरी ब्लैडर को भेज देती है, इसे लंग्स डिसेंडिंग फंक्शन कहते हैं क्योंकि ये नीचे की तरफ जा रहा है। अब इसमें हम अलग अलग ऑर्गन्स के बारे में अगर देखते हैं तो किडनी यांग डेफिशिएंसी, अगर किडनी यांग डेफिशिएंसी हमारी बॉडी में होती है तो इसका मतलब हमें स्प्लीन यांग डेफिशिएंसी भी हो जाएगी।
किडनी यांग स्मॉल इंटेस्टाइन को भी हिट दे रही है, यूरिनरी ब्लैडर को भी हिट दे रही है और ट्रिपल वार्मर को भी ट्रांसफॉर्म और एक्सक्रीट करने के लिए हिट देती है। और किडनी के लिए हम जानते हैं कि किडनी ऑलवेज डेफिशिएंट होती है, जिस तरह से लीवर की ऑलवेज एक्सेस होती है। अब हम बॉडी फ्लूइड्स के बारे में जानेंगे, जो एसआई के बारे में जानेंगे। एसआई भी हमारा सेपरेट कर देता है प्योर और इम्प्योर में, और ये भी किडनी यांग से ही हिट लेता है। अब बॉडी फ्लूइड्स जो होते हैं हमारे, दो तरह के होते हैं। एक तो हम उनको दो कैटेगरी में बांटेंगे, थिन फ्लूइड्स और थिक फ्लूइड्स। जो फ्लूइड्स स्किन और मसल के बीच, जो हमारे स्किन और मसल के बीच में एक गैप होता है, जो एक स्पेस होती है, उसमें कुछ लिक्विड बहता रहता है, हमेशा फ्लो करता रहता है, वो पसीने के रूप में बाहर आता है, तो वो जो फ्लूइड होता है उसे थिन फ्लूइड कहते हैं। अब जब हम खाना खाते हैं तो की मात्रा बहुत एबंडेंट में बनती, बहुत काफी मात्रा में की बनती है, तो फ्लूइड्स बोन पर ओवरफ्लो होता है, तो बोन्स को नरिशमेंट मिलता है, जिससे बोन फ्लेक्सिबल होती है। अगर हमारे बोन्स में नरिशमेंट नहीं मिलेगा हमारे बोन को, तो हमारी बोन जल्दी से हमारे फ्रैक्चर वगैरह तुरंत हो जाएगा, बोन ड्राई हो जाएगी और फ्रैक्चर हो जाएगा। तो हमारे बोन्स को भी बॉडी फ्लूइड्स चाहिए होते हैं नरिशमेंट के लिए। इसके अलावा जो साइनोवियल जो सीएसएफ होता है, सेरेब्रल स्पाइनल फ्लूइड होता है, वो हमारे ब्रेन का, ब्रेन और मैरो को नरिशमेंट देता है। इससे हमको ब्रेन और मैरो को नरिशमेंट मिलता है और हमारे जॉइंट्स को नरिशमेंट साइनोवियल फ्लूइड से मिलता है। तो जिससे हमारे, जैसे हमारे नी जॉइंट्स में अगर खटखट की आवाज आने लगी है, कुछ भी प्रॉब्लम होने लगी है, तो हम उसे भी बॉडी फ्लूइड की प्रॉब्लम ही समझेंगे, क्योंकि बॉडी फ्लूइड नहीं मिल, फ्लूइड नहीं मिल रहा तो सारी हमारी बोन्स कमजोर हो जाएंगी और जॉइंट्स में हमें प्रॉब्लम आने लग जाएगी। अब थिन फ्लूइड जो होते हैं वो डिफेंसिव कीपर एक्सटीरियर में होते हैं, क्योंकि जो थिन फ्लूइड होते हैं, फ्लूइड में जो दो बताए हैं, थिन और थिक, थिन वाले ऊपर बॉडी के स्किन और मसल्स में होते हैं, जो पसीने के रूप में बाहर निकलते हैं, डिफेंसिव की में होते हैं और फिर पसीने के रूप में बाहर निकलते हैं। थिक फ्लूइड्स न्यूट्रिटिव की के फॉर्म में इंटीरियर के में फ्लो करते हैं। थिन फ्लूइड जो होते हैं वो तेजी से मूव करते हैं, क्योंकि वो लिक्विड फॉर्म, लिक्विड से होते हैं, और जो थिक होते हैं वो थोड़े से हैवी होते हैं, तो वो स्लो मूव करते हैं। इसके अलावा थिन फ्लूइड जो होते हैं वो लंग्स के कंट्रोल में होते हैं, वो स्किन में स्प्रेड होते हैं और अपर बर्नर में की तरफ, अपर बर्नर में मूव करते हैं। और थिक फ्लूइड जो होते हैं वो स्प्लीन और किडनी में कंट्रोल में होते हैं, ये मिडिल और लोअर बर्नर में मूव और एक्सक्रीट होते हैं। थिन का फंक्शन स्किन और मसल को नरिश देता है और थिक का कार्य जॉइंट्स, स्पाइन, ब्रेन और बोन मैरो को नरिशमेंट देना होता है। थिन फ्लूइड जो होता है पसीना, आंसू, सलाइवा, म्यूकस, मिल्क के रूप में बाहर आता है, जबकि थिक फ्लूइड जो होता है वो लिम्फ के रूप में होता है। थिन फ्लूइड जो होता है वो ब्लड को भी थिन करते हैं। अगर हमारा ब्लड गाढ़ा होने लगेगा तो हम उसे भी फ्लूइड की प्रॉब्लम समझेंगे, क्योंकि फ्लूइड नहीं होगा, फ्लूइड कम होगा तो हमारे ब्लड में भी गाढ़ापन आने लगेगा, तो ये भी हमें फ्लूइड की प्रॉब्लम होगी। ब्लड थिक हो जाएगा अगर फ्लूइड कम है तो। थिक जो फ्लूइड होता है वो सेंस ऑर्गन्स जैसे आईज, ईयर, नोज, टंग, इन सबको लुब्रिकेशन देते हैं। अब की और बॉडी फ्लूइड्स में रिलेशन एक बार हम देख लेते हैं। की जो होती है वो फ्लूइड्स की ट्रांसफॉर्म एंड ट्रांसपोर्ट फ्लूइड्स की जो होती है वो फ्लूइड्स में ट्रांसफॉर्म, फ्लूइड को ट्रांसफॉर्म और ट्रांसपोर्ट करती है। की बॉडी फ्लूइड्स को होल्ड भी करती है, और बॉडी फ्लूइड्स जो होते हैं वो की के द्वारा ही नरिश होते हैं। अब ब्लड और बॉडी फ्लूइड्स में भी एक रिलेशन होता है, क्योंकि ब्लड जो होता है वो बॉडी फ्लूइड्स को नरिशमेंट देता है और बॉडी फ्लूइड्स ब्लड को भी थिन करता है। ये हमने कुछ बॉडी फ्लूइड्स के बारे में जाना। अब हम टाइप 7 का डिजीज रिलेटेड टू बॉडी फ्लूइड्स में आएंगे। सर आप बुक वाला शेयर कर दीजिए। सर आप बुक वाला कर दीजिए शेयर।
स्टॉप शेयरिंग, हाँ ठीक है, स्टॉप रिकॉर्डिंग, ये आप कैसे शेयर करें। जी सर हो गया। अब हम पेज नंबर 83 चैप्टर नंबर 7 डिजीज रिलेटेड टू बॉडी फ्लूइड्स में वो पढ़ेंगे। अब हम देखते हैं कि बॉडी फ्लूइड्स जो होते हैं हमारे, एक तो यह है कि स्प्लीन रिस्पॉन्सिबल होता है बलगम के लिए, सबसे ज्यादा बलगम स्प्लीन में बनता है। तो शारीरिक द्रवों से रोग जो होते हैं, ब्लू बॉडी फ्लूइड्स के जो रोग होते हैं वो तीन प्रकार के हो सकते हैं। या तो बॉडी फ्लूइड्स कम हो जाएंगे, डेफिशिएंट हो जाएंगे, तो उससे हमारी स्किन ड्राई हो जाएगी, और दूसरा एक्सेस हो जाएंगे तो एडिमा हो जाएगा, सूजन आ जाएगी, और या फिर बॉडी फ्लूइड्स कुछ और एक्सेस से भी ज्यादा हो जाएंगे, रुकने लगेंगे, तो वो बलगम की फॉर्म में इकट्ठा होने लगेंगे। डेफिशिएंसी बॉडी फ्लूइड्स कॉजिंग ड्राइनेस, ड्राइनेस कैसे होती है बॉडी फ्लूइड्स की, ये हम जानते हैं। बॉडी फ्लूइड्स का संबंध इनसे होता है क्योंकि फ्लूइड्स सब इनसे रिलेटेड होते हैं। अब इनकी डेफिशिएंसी होगी तो बॉडी फ्लूइड्स की भी डेफिशिएंसी हो जाएगी और शरीर में ड्राइनेस आ जाएगी। जैसे कि लंग्स हमारी डिफेंसिव की को पोषण देता है, तो उसी से हम अगर हमको बॉडी फ्लूइड्स कम होंगे तो स्किन में मसल्स में ड्राइनेस आ जाएगी और अत्यधिक पसीना आने लगेगा, उल्टी डायरिया होने लगेगी, तो डिफिशियंसी ऑफ बॉडी फ्लूइड हो जाएगा। अगर हमें उल्टी और डायरिया होने लगा तो बॉडी फ्लूइड्स कम हो जाएंगे, उसे हम डिहाइड्रेशन बोलेंगे। ब्लड और अन्य बॉडी फ्लूइड्स रक्त का आदान प्रदान करके एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। किसी कारण से शरीर में अगर हमें ब्लीडिंग ज्यादा हो जाए, कभी चोट आ जाए, कुछ हो जाए, ब्लीडिंग ज्यादा हो जाए, तो भी बॉडी फ्लूइड्स की डेफिशियंसी हो जाती है। और अगर बॉडी ब्लड कम होता है तो भी बॉडी फ्लूइड्स की डेफिशिएंसी हो जाती है। शरीर में बॉडी फ्लूइड्स की डेफिशिएंसी चार प्रकार की होती है। बॉडी फ्लूइड्स जो होता है, डेफिशिएंसी एक तो लंग्स में होती है, स्टमक में होती है, किडनी में होती है और लार्ज इंटेस्टाइन में होती है। अगर लंग्स में होती है तो लंग्स के साथ में हमारा LI लार्ज इंटेस्टाइन भी बीमार पड़ जाती है। बॉडी फ्लूइड्स की डेफिशिएंसी लंग्स में हम देखते हैं। अगर लंग्स में बॉडी फ्लूइड्स की डेफिशिएंसी होती है तो हमारी स्किन सूख जाती है, इसे हम 5D बोलते हैं। 5D सिम्टम, 5D सिम्टम मींस ड्राई स्किन, ड्राई माउथ, ड्राई कफ, ड्राई थ्रोट एंड ड्राई टंग। मतलब ये चारों चीजें में हमें ड्राइनेस लगेगी, सूखी खांसी आएगी और डिफेंसिव की पे इसका असर दिखेगा। तो इसके लिए हम ट्रीटमेंट देंगे LU9, SP6, K6, CB4 एंड CB12, इन सबको पॉइंट्स को हम टोन करेंगे। अब आगे है डेफिशिएंसी ऑफ बॉडी फ्लूइड्स इन स्टमक। अगर स्टमक में बॉडी फ्लूइड्स की कमी होगी तो हमें क्या प्रॉब्लम आएगी। बॉडी फ्लूइड्स जब जल जाएंगे तो डेफिशिएंसी स्टमक में आ जाएगी, तो उसके लिए हमें पानी ज्यादा पीना चाहिए, हमें 2.5 से 3 लीटर पानी डेली पीना चाहिए। अब स्टमक में इनडेफिशिएंसी अगर हो गई तो डेफिशिएंसी बॉडी फ्लूइड्स की डेफिशिएंसी हो जाएगी, इसमें हमारी टंग सूख जाएगी और टंग पे आड़े क्रैक्स हमें दिखेंगे, लेकिन रोगी को प्यास नहीं लगेगी, रोगी पानी बहुत कम मात्रा में पिएगा। और इसका ट्रीटमेंट हम अगर हमें बॉडी फ्लूइड्स स्टमक में बॉडी फ्लूइड्स की कमी दिखेगी तो हम इसका ट्रीटमेंट देंगे SP3, SP6, ST36, CB12, इन सारे पॉइंट्स को हम टोन करेंगे। अब डेफिशिएंसी ऑफ बॉडी फ्लूइड्स इन किडनी। अब किडनी में अगर डेफिशिएंसी दिखेगी तो किडनी इन की डेफिशिएंसी, अब किडनी इन की डेफिशिएंसी होगी तो सबसे जो मेन सिम्टम इसमें आएगा वो कॉन्स्टिपेशन आएगा, क्योंकि बॉडी फ्लूइड्स नहीं रहेंगे तो कॉन्स्टिपेशन हमें सबसे पहले दिखेगा और इनकी कमी होकर ड्राइनेस हो जाएगी। अब रात को मुंह सूखेगा, गला भी सूखेगा, यूरिन की मात्रा घट जाएगी, प्यास भी बहुत ज्यादा लगेगी, कॉन्स्टिपेशन होगा और रात में पसीना बहुत ज्यादा आएगा, और इस कंडीशन में हमें जीभ पर कोई भी लेयर नहीं होगी। तो इसके लिए हम जो ट्रीटमेंट देंगे वो है K3, K6, K9, K10, SP6, CV1 एंड CV4, इन सारे पॉइंट्स को हम टोन करेंगे। अब डेफिशिएंसी ऑफ बॉडी फ्लूइड्स इन लार्ज इंटेस्टाइन। अब लार्ज इंटेस्टाइन में अगर डेफिशिएंसी हो गई बॉडी फ्लूइड्स की तो जल की कमी से
लार्ज इंटेस्टाइन में भी कमी हो जाएगी, तो स्टमक में बॉडी फ्लूइड्स की कमी हुई तो लार्ज इंटेस्टाइन में नेचुरली वो बॉडी फ्लूइड्स की कमी होगी, तो जो हमारा स्टूल है वो बिल्कुल ड्राई हो जाएगा और उसको रोगी को पेशेंट को स्टूल पास करने में बहुत बहुत प्रॉब्लम आएगी, असुविधा होगी। और विटामिन जो होते हैं वो हमारे एलआई में बनते हैं तो वो भी कम बनेंगे, तो पोषण भी नहीं मिलेगा। तो इसके लिए हमें, इसके ट्रीटमेंट के लिए SP6, HT36, CV4, K6, LI2 इन सब पॉइंट्स को हम टोन करेंगे, क्योंकि डेफिशिएंसी है तो डेफिशिएंसी में हम पॉइंट्स को टोन करते हैं। अभी तक हम डेफिशिएंसी देख रहे थे, अब हम एक्सेस देखेंगे। अगर बॉडी फ्लूइड्स एक्सेस मात्रा में हो गए, ज्यादा मात्रा में हो गए, तो हमें क्या प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि जब बॉडी फ्लूइड ज्यादा मात्रा में हो जाएंगे तो वो कहीं ना कहीं जमा हो जाएंगे, और जब जमा हो जाएंगे तो वहां पर एडिमा, सूजन आ जाएगी। तो सूजन चार कारण से होती है। अगर स्प्लीन की में डेफिशिएंसी हो गई तो स्प्लीन फूड की नहीं बना पाएगी और बॉडी फ्लूइड्स भी कम हो जाएंगे तो वो इससे एडिमा हो जाएगा। लंग्स की डेफिशिएंसी होगी तो भी हो जाएगा। किडनी यांग की डेफिशिएंसी, किडनी यांग की डेफिशिएंसी होगी तो स्प्लीन यांग की भी डेफिशिएंसी हो जाएगी और इससे एलआई और स्टमक एसआई सब में डेफिशिएंसी हो जाएगी। तो किडनी यांग की डेफिशिएंसी एक इंपॉर्टेंट डेफिशिएंसी है जिसके कारण सूजन आएगी। स्प्लीन, लंग्स और किडनी तीनों की डेफिशिएंसी के कारण भी ये एडिमा होगा। जो फ्लूइड्स बाहर निकलने चाहिए वो रुक जाएंगे तो फंक्शन ठीक से नहीं होगा। अब स्प्लीन की डेफिशिएंसी के कारण शरीर के बीच के भाग पर, पेट पर सूजन आएगी, जैसे कि जलोदर, पानी भर जाता है पेट में, वो जो प्रॉब्लम होती है वो स्प्लीन की डेफिशिएंसी के कारण होती है। तो इसके लिए हम SP3, SP6, HT36, UB20, UB21 एंड CB12 इन सारे पॉइंट्स को टोन करेंगे। लंग्स की डेफिशिएंसी के कारण एक तो चेहरे और हाथों, लंग्स के ऊपर के भागों में होता है तो हमारे चेहरे पे, हाथों पे, सब जगह पर सूजन आ जाएगी। लंग्स हमारे चेहरे पर दिखता है, तो इसके लिए जो हम ट्रीटमेंट देंगे वो है LU7, LU9, HT36, GB12, UB13, CV6 एंड GB26। इन सारे पॉइंट्स को हम टोन करेंगे। कभी कभी एक्सटर्नल विंड कोल्ड के आक्रमण से लंग्स की क्रिया घट, कभी हम अगर विंड कोल्ड का अटैक हुआ है तो भी लंग्स की क्रिया घट जाएगी, तो भी चेहरे और हाथों पर सूजन आ जाएगी। गाल पिचके या फूले, कुछ भी प्रॉब्लम आएगी तो इसका मतलब है लंग्स की डेफिशिएंसी हो जाएगी। तो ये सारे पॉइंट जो लिखे हैं LU7, GB16, UB12 एंड LI4, ये पहले हम 2-3 दिन हम इनको शेडेड करेंगे और 2 दिन के बाद हम इन सारे पॉइंट्स को टोन करेंगे। और LI4 हमेशा शेडेड होता है, LI4 कभी भी टोन नहीं होता। ये एनाल्जेसिक पॉइंट है, वो टोन नहीं होता, ये हमें सुषमा मैम ने बताया था। सर मैं सही बोल रही हूँ? किडनी यांग की डेफिशिएंसी के कारण शरीर के नीचे के भागों में, खासकर हमारे पैरों में और टखनों में सूजन आ जाएगी। किडनी में पानी निकालने की ताकत ही नहीं है। अब पानी निकालने की ताकत नहीं है तो वहां पर हम जहाँ पायल पहनते हैं वहां पर टखने होते हैं, वहां पर सूजन आ जाएगी। तो ये हम ट्रीटमेंट देंगे K3, K7, UB23, UB47, GB4, CV4, CV6, इन सारे पॉइंट को हम टोन करेंगे। ये पॉइंट हाइपोथायराइड में भी बहुत काम आते हैं। अगर थायराइड में हाइपोथायराइड किसी को हुआ तो हम इन पॉइंट्स को दे सकते हैं। नेक्स्ट है स्प्लीन, लंग्स और किडनी। अगर तीनों की डेफिशिएंसी हो गई तो सूजन आने पर तीनों, ऊपर A, B, C, तीनों की प्रॉब्लम में से आवश्यकता अनुसार बिंदु चुनेंगे। हमें जिसकी प्रॉब्लम सबसे ज्यादा लगेगी पहले हम उनके पॉइंट्स को देंगे और बाकी प्रोटोकॉल हम बाद में देंगे। अब तीसरा हमारा है बॉडी फ्लूइड्स कॉजिंग बलगम। मतलब अगर बहुत दिनों तक फ्लूइड्स रह गया तो बलगम बन जाएगा, ब्लड पानी निकल ही नहीं रहा, फ्लूइड निकल ही नहीं रहा बिल्कुल भी, तो उसे बलगम बनने लग जाएगा। और बलगम मुख्यतः जो बनता है वो स्प्लीन की डेफिशिएंसी बनता है। स्प्लीन बलगम बनाने के लिए सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबल स्प्लीन होती है। अब स्प्लीन शारीरिक द्रवों का रूपांतरण भी करती है और स्थानांतरण भी करती है। अगर वो नहीं कर पा रही है तो वो हमारे बलगम बन जाने लगेगा। अब लंग्स और किडनी भी बलगम बनाने का काम करते हैं, सबसे ज्यादा तो स्प्लीन करती है लेकिन लंग्स और किडनी भी बलगम बनाने का कार्य करते हैं।
अब लंग्स शारीरिक द्रवों को नीचे की ओर प्रवाहित नहीं कर पाते तो लंग्स में बलगम बन जाता है, और किडनी बाहर नहीं निकाल पाती शारीरिक द्रवों को, वो वहीं पर अटके रह जाते हैं, तो भी शारीरिक द्रव बलगम बनकर शरीर में एकत्रित हो जाते हैं। अब बलगम भी दो प्रकार का होता है, एक तो दिखने वाला और एक नहीं दिखने वाला, जो दिखता नहीं है, हैविंग ए फॉर्म एंड विदाउट ए फॉर्म। तो ये स्प्लीन, लंग्स और किडनी, ये क्रमानुसार इसमें हम देखेंगे कि सबसे पहले स्प्लीन में बनेगा, फिर लंग्स में बनेगा, फिर किडनी में बनेगा। तो जिसमें दिखता है पहले हम उसे देखेंगे कि जब दिखता है, यह वह बलगम होता है जिसको हम देख सकते हैं। जैसे हमें खांसी होती है तो हमारे लंग्स से बलगम निकलता है, इसको हम खांसी थूक के बाहर निकालते हैं। इसमें सबसे अधिक लंग्स प्रभावित होते हैं, लंग्स सबसे ज्यादा इफेक्टिव होते हैं। बलगम तीन प्रकार के होते हैं, ये सफेद, पीला या हरा, और पानी के जैसा पतला झागदार, झागदार बलगम होता है। ये तीन तरह के हमें बलगम दिखते हैं। अब सबसे पहला है सफेद बलगम। सफेद बलगम स्प्लीन की डेफिशिएंसी से या स्प्लीन यांग डेफिशिएंसी जब हो जाती है तो बॉडी फ्लूइड्स एम घी तेल चिकनाई युक्त भोजन का रूपांतरण एम स्थानांतरण रुक जाता है। जब हम बहुत ज्यादा चिकना फूड खाते हैं, ऑयली फूड खाते हैं, तो इसकी ये जो हमारा भोजन का ट्रांसपोर्ट होता है वो रुक जाता है और बलगम बनने लग जाता है। अब ये बलगम जब लंग्स में रुक जाता है तो रोगी को, हम जब पीठ के बल सोते हैं तो उसको बहुत प्रॉब्लम आती है, उसको नहीं सो पाता है, उसको खांसी के साथ बहुत सफेद रंग का बलगम निकलने लगता है और सोने में उसको असुविधा लगती है। इसको व्हाइट बलगम एक्यूमुलेशन इन लंग्स कहते हैं, यह एक्यूट कंडीशन होती है। ST40 जो पॉइंट होता है, सिंगल पॉइंट होता है बलगम के लिए, वो बहुत अच्छा पॉइंट होता है, अगर हम उसे एडिट करेंगे तो हमें नया बलगम नहीं बनेगा। इसके लिए हम जो ट्रीटमेंट देते हैं वो ये है, P6, LU1, LU5, LU7, ST40, CV9 और CV17, CV22, UV13, ये तो हम सेडेट करेंगे, और CV12 और UV20 ये दो पॉइंट को हम टोन करेंगे। ये दो पॉइंट इसमें टोन होंगे, बाकी सारे पॉइंट इसमें सेडेट होंगे। अब दूसरा है पीला या हरा बलगम। अब चिकनाई युक्त हम गर्म भोजन, बहुत ज्यादा गर्मियां है और हमने गर्म भोजन खा लिया, या किसी को धूम्रपान करने की आदत है, तो फेफड़ों में पीला या हरा बलगम एकत्रित हो जाता है। यह क्रॉनिक कंडीशन होती है। सफेद बलगम वाली एक्यूट होती है और पीला या हरा बलगम बनने लगा है तो वो क्रॉनिक कंडीशन होती है। इससे बलगम में हमें दुर्गंध भी आने लग जाती है, स्मेल आती है, और कुत्ता खांसी, रुक रुक के खांसी होती है, और अस्थमा की भी प्रॉब्लम हो जाती है। तो इसके लिए जो हम ट्रीटमेंट देंगे, ये हम LU1, LU5, LU7, LU10, LI11, UB13, ST40, इन सबको सेडेट करेंगे, और CV12 एक अकेला पॉइंट होगा जिसे हम टोन करेंगे। अब पानी के जैसा झागदार पतला बलगम, पानी के जैसा बलगम अगर आ रहा है तो यह भी क्रॉनिक रोग है। इससे पता चलता है कि शरीर में बहुत हमें वीकनेस आ गई है। जब हमें बलगम बना रहता है और बढ़ता जाता है, क्रॉनिक होता जाता है, तो शरीर में कमजोरी आ जाती है। स्प्लीन यांग और लंग्स यांग की डेफिशिएंसी इसका कारण होता है। स्प्लीन यांग की डेफिशिएंसी से लंग्स, किडनी यांग, स्प्लीन यांग, लंग्स यांग, इन सबकी डेफिशिएंसी होती है, तो इसका कारण से पानी के जैसा झागदार रोग बलगम बनने लग जाता है। यह बड़ी उम्र वालों को ज्यादा होता है और इसमें रोगी को ठंड लगता है, और ये बहुत क्रॉनिक डिजीज होती है। इसके लिए हम LU5, LU9, ST36, ST40, CV9, CV12, CV17, UB13 और UB37, इन सारे पॉइंट्स को हम टोन करेंगे। अब है बलगम विदाउट ए फॉर्म, जिसका जो दिखता नहीं है। ये तो हमें दिखने वाला था बलगम, जो हमें, हम निकाल रहे थे तो हमें दिख रहा था, अब ये नहीं दिखता है। जो बलगम दिखाई नहीं देता है वो हमें गांठों के रूप में अलग अलग स्थानों पर मिलता है, छह स्थानों पर गांठों के रूप में मिलता है, या नमनेस या गांठों अलग अलग रूप में मिलता है। तो ये चर्म के नीचे गांठों के रूप में मिलता है, स्किन के नीचे, या फिर मेरिडियंस में नमनेस, सुन्नपन आ जाता है, हार्ट में स्ट्रेसेस हो जाता है, रुकावट हो जाती है, उसके रूप में दिखता है, गॉल ब्लैडर में स्टोन होता है, किडनी में भी स्टोन बन जाता है, और जोड़ों में डिफॉर्मिटी आ जाती है। हमारे जोड़ों में, हम जैसे खड़े होते हैं तो पैर टेढ़े मेढ़े या हाथ टेढ़े मेढ़े उस तरह से हो जाते हैं। अब इसका चर्म के नीचे, स्किन के नीचे जो गांठें होती है,
सबसे पहले हम उसे देखेंगे। न दिखाई देने वाला बलगम जब स्किन के नीचे एकत्रित हो जाता है तो निम्न तरह से दिखाई देता है। तो ये लिम्फ गांठें बन जाती हैं। अब लिम्फो नोड्स स्वेलिंग, मतलब लिम्फ के नोड्स में स्वेलिंग आ जाती है, सूजन आ जाती है, और थायराइड की सूजन आ जाती है, थायराइड में सूजन आ जाती है, फाइब्रॉइड्स बन जाते हैं, और लिपोमास हो जाते हैं। स्किन के अंदर होती है, स्किन के अंदर चर्बी की गांठ बन जाती है, और स्वेलिंग ऑफ नर्व गैंगलियॉन, जो गुच्छे होते हैं, गैंगलियॉन एक तरह के गुच्छे होते हैं जो हम आगे थर्ड सेमेस्टर में पढ़ेंगे, वो उनमें सूजन आ जाती है। इन गांठों का उपचार गांठों के स्थान एवं प्रकार को देख के किया जाता है। अब इसमें हम जब थर्ड सेमेस्टर में डॉक्टर वॉल को पढ़ेंगे तो डॉक्टर वॉल में ने एक फाइब्रॉइड डिजेनरेशन मेरिडियन दी है और एक फैट डिजेनरेशन मेरिडियन दी है, तो उससे हम इन मेरिडियंस का, इस मेरिडियन से इन गांठों का हम उपचार बहुत आसानी से कर सकते हैं। तो इनका टाटाइस 3, 4 और 5 में दिया गया है। यूट्रस की गांठ का उपचार LU7 राइट में और K6 लेफ्ट पर, अगर हम स्टार मैग्नेट या मेथी लगाकर करेंगे तो हमें उससे बहुत आराम मिलेगा। अब मेरिडियंस में नंबनेस, सुन्नपन आ जाता है अगर, तो वो उसके लिए हम क्या करेंगे? न दिखाई देने वाला बलगम जब मेरिडियंस में एकत्रित हो जाता है तो नंबनेस, सुन्नपन आ जाता है। ऐसा बूढ़े लोगों में, बुजुर्ग लोगों में ऐसा ज्यादा होता है। विंड स्ट्रोक जब लगता है तब भी ये नंबनेस के रूप में प्रकट होता है। अब ये नंबनेस कहाँ कहाँ होती है? नंबनेस हाथों में हो जाती है, तो इसके लिए हम LI9, LU11, LI1, H9, SI2, UB11 इन सारे पॉइंट्स को सेलेक्ट करेंगे। अगर नंबनेस फिंगर्स में आ गई है तो SI3, LI3 और ये एक्स्ट्रा पॉइंट है 27, इसे हम सेडेट करेंगे। अब नंबनेस अगर फोर आर्म मतलब हाथों में, ये आगे का फोर आर्म में आ गए, तो LU11, ST33, H3, H8, H9, LI9 इन सारे पॉइंट को हम सेडेट करेंगे। अब नंबनेस अगर एल्बो में आई है तो LI12 को हम सेडेट करेंगे। नंबनेस अगर अपर एक्सट्रीमिटीज ऊपर की तरफ आई है तो LI4, LI11, H3, TW5, P6 इन सारे पॉइंट्स को सेडेट करेंगे। लोअर एक्सट्रीमिटीज में अगर नंबनेस सुन्नपन आया है तो GB34, GB39, SP6, SP9 को सेडेट करेंगे। न्यूराइटिस एक न्यूरो प्रॉब्लम होता है जो स्नायुओं में झंझनाहट और सुन्नपन हो जाता है, उसे न्यूराइटिस कहते हैं। अगर अपर एक्सट्रीमिटीज में ये प्रॉब्लम है तो LI4, LI11, LI15 एंड TW5 को हम सेलेक्ट करेंगे। और अगर लोअर एक्सट्रीमिटीज में न्यूराइटिस हो गया है तो GB40, GB34, GB39 और SP6 इन सारे पॉइंट्स को हम सेलेक्ट करेंगे। अब आगे है हार्ट में रुकावट। अगर हार्ट में स्टेटिस हो गया तो हम क्या करेंगे? अगर हार्ट में स्टेटिस होता है, न दिखाई देने वाला बलगम जब हार्ट में आ जाता है तो हार्ट के द्वारा जो हमारी ब्लड वेसल्स है वो अवरुद्ध हो जाती है। तो अब इसे जब हार्ट में इफेक्ट आया तो ब्रेन में इफेक्ट आएगा, तो ब्रेन भी प्रभावित हो जाता है और मैनिक डिप्रेशन हो जाता है। और ये एक रोग होता है सिजोफ्रेनिया, जो नहीं है वो भी हमें दिखने लग जाता है। ये होता है, कई बार ऐसी स्थिति आती है कुछ नहीं होता है और हमें वो दिखने लग जाता है, नहीं ऐसा तो है, एक मैनिक डिप्रेशन टाइप ही रोग होता है, ये हो जाता है। इपिलेप्सी, ये सारे मानसिक रोग इसमें होने लग जाते हैं। तो इसके लिए हम क्या ट्रीटमेंट देंगे? P5, P7, H7, H8, H9, UB, CB15, UB20, UB15 को हम सेडेट करेंगे, UB20 और Liver2, Liver3, SP6, ST40, GB24 और GB13 और 15 इन सारे पॉइंट्स को हम सेडेट करेंगे। जो इसमें टोन करेंगे वो पॉइंट हैं CB12, UB20 और GB20, इन सारे पॉइंट्स को हम टोन करेंगे। सर ठीक है? ठीक है। अब गॉल ब्लैडर, अगर गॉल ब्लैडर में अगर रुकावट आ गई तो वो पथरी के रूप में प्रकट होगा। गॉल ब्लैडर बाइल जूस स्टोर करता है। अब न दिखाई देने वाला बलगम जब बहुत लॉन्ग पीरियड तक गॉल ब्लैडर में अवरुद्ध हो जाता है और गॉल ब्लैडर में गर्मी भी बढ़ जाती है और कुछ फैट वहाँ स्टोरेज हो जाता है, मतलब चिकनाई वाला खाना वहाँ बहुत ज्यादा खाते हैं, तो उसके कारण वहाँ पे पथरी हो जाती है, बलगम पथरी बन जाता है, बलगम बनता है और बलगम से पथरी बनती है। तो इसके लिए हम GB24, GB34,
लिवर 14, सीबी 12, जीबी 9, यूबी 18, यूबी 19, यूबी 20, टीडब्ल्यू 6, एलआई 11, इन सारे पॉइंट को सेडेट करेंगे। ये सारे पॉइंट्स हमारे लिवर एंड गॉल ब्लैडर के ह्यूमिड हीट के पॉइंट्स हैं। तो अगर हमें जॉन्डिस की किसी को प्रॉब्लम होती है तो भी हम ये वाले पॉइंट को यूज आराम से कर सकते हैं, जॉन्डिस की प्रॉब्लम में ये पॉइंट्स काम आएंगे। एक स्पेशल पॉइंट लिख रखा है, ये भी हम यूज कर सकते हैं। अब किडनी में अगर बहुत बहुत समय तक किडनी में अगर बलगम अवरुद्ध हो जाता है तो वो पथरी के रूप में प्रकट हो जाता है, उसके साथ में किडनी में गर्मी भी बढ़ जाती है, पथरी बन जाती है। अब किडनी में अगर पथरी बन जाती है तो K3, SP6, UB23, UB47, GB25 और इन सबको सेडेट करेंगे। और डॉक्टर वॉल्स के पॉइंट्स होते हैं K2 एंड K2A और K3, ये भी हम सेडेट करेंगे, इन सारे पॉइंट्स को हम सेडेट करेंगे। अब जोड़ों में डिफॉर्मेटी, जोड़ों में डिफॉर्मेटी का मतलब हाथ पैर टखने फिंगर्स ये टेढ़ी होने लग जाती है। डिफॉर्मेटी का मतलब उनमें कोई ना कोई प्रॉब्लम आने लग जाती है, टेढ़ी होने लग जाती है उंगलियां या हाथ पैर। अब ये बलगम जब हड्डियों के जोड़ों में लंबे समय तक एकत्रित हो जाता है तो रूमेटॉइड आर्थराइटिस हो जाता है और डिफॉर्मिटी होने लगती है। इसके लिए हम पेन को रिड्यूस करना है तो रूमेटॉइड आर्थराइटिस के सबसे पहले हम ट्रीटमेंट देंगे LI-11 HT36 को सेडेट करेंगे। उसके बाद स्टार ट्रीटमेंट लगाएंगे। अब इसमें स्पेसिफिक पॉइंट है रूमेटॉइड आर्थराइटिस के UB58, इसको हम सेडेट करेंगे। अब अगर रिस्ट और दूसरे जॉइंट्स को खोलना है उसमें प्रॉब्लम आ रही है तो ग्रुप 1 है GB14 और UB11, इन दोनों को सेडेट करेंगे। फिर उसके बाद में हम ग्रुप 2 K6 SP6 GB39 TW6 एंड GB34, इनको हम सेडेट करेंगे। अब ग्रुप 1 पर ट्रीटमेंट शुरू सुबह के टाइम देंगे और ग्रुप 2 पर ट्रीटमेंट शाम को देंगे और एक सप्ताह तक हम ट्रीटमेंट देके देखेंगे कि हमें उनसे आराम मिल जाएगा। अब डिजीज कॉज बाय फलगम विद अनदर पैथोजेनिक फैक्टर, कई बार हमारे बॉडी को कोई दूसरे पैथोजेनिक फैक्टर हम उसे अटैक कर देते हैं तो उसके कारण भी हमें डिजीज आ जाती है। तो ये बलगम अन्य रोग कारणों के साथ मिलकर ये रोग उत्पन्न कर देते हैं। फलगम एंड विंड मिलकर लकवा, पैरालिसिस जो होता है अगर बलगम और विंड दोनों चीजें मिल गई, क्योंकि जो लकवा है वो विंड के कारण स्पेसिफिक है तो बलगम और विंड दोनों मिला तो लकवा हो जाएगा। बलगम और हीट मिला तो हमारे लंग्स में और स्टमक में पीला चिपचिपा सा बलगम बनने लग जाएगा, और बलगम और कोल्ड मिला तो हमारे लंग्स में और स्टमक में सफेद रंग का बलगम बन जाएगा, क्योंकि कोल्ड से हम सफेद रंग का बलगम बनता है और हीट से पीले रंग का चिपचिपा बलगम बनेगा। अब फलगम और ह्यूमिडिटी, ह्यूमिडिटी का मतलब इन्फेक्शन होता है, ह्यूमिडिटी को हम हमेशा इन्फेक्शन से देखेंगे। तो बलगम और ह्यूमिडिटी मिलकर फेफड़ों में अत्यधिक सफेद पानी सा बलगम बन जाता है, और फलगम और की अगर बलगम के साथ की मिल गई तो वो की गले में अवरुद्ध हो जाती है, हमें बोलने में प्रॉब्लम आती है, खाना निकलने में भी प्रॉब्लम आती है। और बलगम और वाटर अगर ये दोनों मिल जाते हैं तो पतला पानी सा बलगम बन जाता है। ये पतला पानी सा बलगम 4 प्रकार का होता है। पतला पानी सा बलगम आमाशय और आंतों में, या तो ये पतला हमारे स्टमक में और हमारे इंटेस्टाइन में होता है, या फिर पतला पानी बलगम जो होता है पेट के ऊपरी हिस्से में होकर वहाँ हाइपोकॉन्ड्रियम में वहां होकर हमें दर्द होने लगता है, अगर वहां पे इकट्ठा हो जाएगा तो वहां दर्द होगा। पतला पानी सा बलगम हाथ पैरों में हो जाएगा तो हाथ पैरों में भारीपन हमें महसूस होगा। डायफ्राम के ऊपरी भाग में पतला पानी बलगम इकट्ठा हो जाएगा। इसी तरह से बलगम का हम प्रकार देखेंगे, स्थान देखेंगे, उस वो देखकर हम अपने प्रोटोकॉल तैयार करेंगे। बलगम के लिए जनरली हम लंग्स की का ट्रीटमेंट देते हैं, और लंग्स की के साथ साथ हम अगर लंग्स की का ट्रीटमेंट दे रहे हैं तो हमें स्प्लीन की का ट्रीटमेंट भी साथ साथ देना चाहिए। तो अगर बलगम हो रहा है तो ये दोनों ट्रीटमेंट हम देंगे तो हमें उसमें बहुत आराम मिलेगा। थैंक यू सो मच सर, मेरा हो गया, थैंक यू सो मच। बहुत बहुत बढ़िया, बताइए आप लोग। अच्छा सर, बहुत अच्छा, मैंने बताया नहीं थी, बढ़िया सर, बहुत अच्छा, बहुत मेहनत किया,
बहुत अच्छा जो है कवर किया नीतु जैन ने, और अच्छा देखिए अच्छा लगता है कि जो तुम लोग मेहनत करते हैं तो थोड़ा बढ़िया लगता है, तो यही सब है। मुझे लगता है शायद हम लोगों को थोड़ा रिवाइज भी हो गया होगा, चैप्टर 4 वाला भी रिवाइज हो गया, थोड़ा और भी जो कहीं ट्रिटाइज में ट्रिटाइज के अलावा 7 के अलावा कहीं हो गया वो भी थोड़ा रिवाइज हो गया। वेल डन, बहुत बढ़िया किया। तो आप लोग समझ सकते हैं कि देखिए होता क्या है, ट्रिटाइज जब 7 बनी तो 7 के बाद और भी बने, 7 के बाद आप जैसे पढ़ेंगे तो हम लोग 16 पढ़ेंगे, अगर पढ़ना चाहिए तो ट्रिटाइज 1, 2, जब 2 के बाद होगा तो 2 के बाद 7 आ जाता है और 7 के बाद 16 आ जाता है, 7 से जुड़ा 16 है। उधर डॉक्टर वाल जब आएंगे तो डॉक्टर वाल 3, ट्रिटाइज 3, ट्रिटाइज 4, ट्रिटाइज 5, फिर 7 के साथ जो एक अलग से ट्रीटमेंट है ट्रिटाइज 6, वो अलग से पढ़ी जाती है, तो ट्रिटाइज 6। फिर आपके पास आते हैं 13, 14, 15, वो हार्ट के स्पेशली हार्ट और किडनी और लंग्स के, हार्ट और लंग्स किडनी, इस तरह अलग अलग तीनों ट्रिटाइज हैं। फिर एक ट्रिटाइज है 18 और एक है 14, एक में आई डायग्नोसिस है और एक में आपको आई, एक आई है और एक में टंग डायग्नोसिस, तो 2 इस तरह आ जाते हैं। फिर स्पेसिफिक 3-4 किताबें अलग से हैं जिनको हम लोग कहीं एक्स के बारे में, एक ट्रिटाइज 15 है, वो आपके जितने भी आपके शरीर के जो स्टमक और इनके डिफिशिएंट प्रॉब्लम है वो है। ट्रिटाइज 6 गायनी प्रॉब्लम्स के लिए अच्छी किताब है, और उसके अलावा एक ट्रिटाइज 20 बहुत अच्छी किताब है गायनी प्रॉब्लम्स के लिए, तो सब पूरा उसी के लिए पूरा ट्रिटाइज 20, तो लगभग उसमें पूरा चैप्टर ही एक दो पूरा 3-4 चैप्टर दिए हुए हैं उसी पर। और ट्रिटाइज 6 में भी आपको कई रोगों के इलाज मिलेंगे और उसमें गायनी भी प्रॉब्लम बहुत बढ़िया होगी, मतलब उसमें गायनी प्रॉब्लम को सब डिस्कस। तो ऐसे हम लोगों को देखना है कि ट्रिटाइज जब पढ़े हम लोग ट्रिटाइज के रूप में, तो इस तरह थोड़ा सा एक नॉमिनक्लेचर के हिसाब से रहता है कि नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, ये नोट करते रहने से क्या होता है, आइडिया लगने लगता है कि अभी कभी पढ़ना हो तो कैसे पढ़े। जो भी लोग 4 सेमेस्टर करना चाहते हैं, कम से कम 4 सेमेस्टर करना चाहते हैं, उनको जो आयुर्वेदिक में HB1, HB2, HB3, HB4 हैंडबुक 4 तक उन्हें जरूर पढ़नी चाहिए। उधर खेमका सर की 2 किताब लिखी हुई है, एक तो उधर भी हैंडबुक 1 और हैंडबुक 2 है, और उसके अलावा एक उनकी किताब है थेरेपिस्ट बुक, वो 3 किताबें इम्पोर्टेंट हो गई उस लिहाज से, क्योंकि इनका प्रयोग हमेशा आप करेंगे, करना पड़ेगा। सिंगल पॉइंट में कुछ किताबें बहुत अच्छी हैं तो उनको हम लोग करना चाहिए, मैं इसको कर देता हूँ ताकि कुछ